So welcome to everyone, Indian Temple Academic System. आज हम Indian Temples के अगर खुजाओ की बात करेंगे तो हम आज हमारा मतलब खुजाओ का लास्ट चैप्टर है. सो थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें कुछ एजुकेशनल पॉइंट्स ऐड करे. तो मैंने अगर आपको कल के इसमें मैंने एक पॉइंट दिया था, वैसे तो मैंने मेंशन नहीं किया था, रीडिंग के लिए दिया था वैसे वो, तो आप पुराने वीडियो में जाके रीड कर सकते हैं. उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ जो खुजराओ के जो टेम्पल्स थे वो पंचायतन स्टाइल में थे. और अगर आप इंडियन स्टाइल में देखिए या इंडियन कल्चर में देखिए, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 3 ये बहुत ऑस्पिशियस नंबर्स होते हैं. 5 आपका पंच तत्व का सिंबल है और 7 मेरे ख्याल से, हाँ 7 आपका सप्तऋषि और 7 नदियों का सिंबल है और सब और भी सिंबल्स हैं जिसकी सप्तमातृका भी है. और मैंने 3 इज फॉर 3 डे, 4 इज बेसिकली 4 दिशाओं का और इनको जब आप कट करते हैं 8 दिशाओं का. तो मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, फेस ऑफ 2 कॉइंस. हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. तो हम आर्कियोलॉजी में या इंडियन हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री वर्ड यूज कर रहा हूँ, हम 2 चीज़ देखते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एक लिटरेरी एविडेंस. मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा जिसका सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, और मैं अंत में कुछ आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाऊंगा. तो मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमें केवल लिटरेरी पर ही, आधार पर ही कभी कभी देखनी पड़ती है. और कभी हमारे पास कॉइन्स के दोनों फेस होते हैं तो हम रिलायबल चीज़ें कुछ जान सकते हैं. तो जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, तो आज की पावर पॉइंट थोड़ी बोरिंग थी, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए मैंने कोई अच्छी सी फोटो लगाई हुई है. तो ये खुजराओ टेम्पल की है, जैन टेम्पल की. वैसे ये आदिनाथ को डिवोटेड था टेम्पल. 19th सेंचुरी में कल्चर थोड़ा डैमेज हो गया तो यहाँ पर परशुनाथ की आइडल है. तो किसी को अगर आइडेंटिफिकेशन अगर पता हो आइकनोग्राफी के हिसाब से, तो 7 हेड्स होते हैं सरपेंट्स के परशुनाथ ने, और 6 में 6 के करीबन शांतिनाथ के होते हैं. और वैसे तो मैं ये आपको 8 की दृष्टि से दिखा रहा हूँ. और ऊपर की तरफ वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ, मैं एक बार गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बीच में एक नवग्रह तो नहीं कह सकते, बट जैन टेम्पल्स में अक्सर नवग्रह बनाया जाता था. तो ये एक मुख है और या हाँ सॉरी हाँ ये नवग्रह है. मैंने ऊपर वाला सिम्बॉलिज्म देखा नहीं, तो ऊपर की तरफ स्नेक सिंबल है, तो इट इज क्लियरली विजिबल. तो मैंने आपको बताया था कुछ टेम्पल्स में ये स्नेक सिंबल कभी कभी ऊपर चले जाता है. तो ये डोर का टोरन कह लीजिए, और बहुत अच्छी तरह डिजाइन है. तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ एस्ट्रोनॉमी पर्सपेक्टिव के हिसाब से. तो भारत की अगर आप एस्ट्रोनॉमी पर कुछ देखिए, तो मैं वैसे कुछ सुबह सर्च मारा था, तो ऐसा मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया कब सर्च मारा, तो हम वो देखते हैं. ये मैंने उज्जैन के बारे में कुछ सर्च मारा था. मैंने नीचे टाइम दिया हुआ है एज ए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के लिए कि कब सर्च मारा था, 11:01 पर. और मैंने क्या सर्च मारा था, उज्जैन सिटी ऑफ टाइम. और मैं क्या ढूंढना चाह रहा था और मुझे गूगल ने क्या दिया. अगर आपने इसे कई लोगों को नहीं पता हो, हमारे एंशियंट इंडिया में टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नापा जाता था. बल्कि एंशियंट इंडिया में नहीं, जितनी भी सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन ने जो लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करे हैं सेट, वो आप सबको पता हो अगर ज्योग्राफी के हिसाब से इमेजिनरी लाइंस हैं, उनका कुछ खास यूज नहीं है. लेकिन जब आप धरती का रेडियस निकालते हैं या सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है,
या किसी चीज का डिस्टेंस निकालना है तो वो उन चीजों के लिए काम आती है। तो ओल्ड टाइम में आपका टॉपिक ऑफ कैंसर आपका टाइम नापने के काम आता था। टॉलेमी जी ने उज्जैन को एज अ सेंटर माना हुआ है। ये आपका वही उज्जैन है जो इंडिया का एरिया है, अवंती का एरिया, काफी लोग जानते होंगे अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे तो। अगर आपको पता हो उज्जैन में, चलिए मैं इतना नहीं बताता ज़्यादा डिटेल में, आपको खुद दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उज्जैन में, चलिए मैं नहीं बताता, मैं आगे चलता हूँ। तो उज्जैन में, हाँ आई आई गया नीचे, मैं छुपाना चाह रहा था वैसे तो। महाकाल का टेम्पल है, शिव टेम्पल। ये काल वर्ड अगर आपको पता हो, खुद टाइम से रिलेटेड है, काल का मतलब ही टाइम होता है। तो ये एक एविडेंस है कि यहाँ पर टाइम की पहली सी इम्पोर्टेंस थी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो, ब्रह्मगुप्त और उज्जैन के कई फिलोसोफर पैदा हुए हैं गुप्ता टाइम्स के। ब्रह्मगुप्त हैं एक, और इनमें टाइम का बहुत बड़ा ये है कि उज्जैन टाइम का सेंटर था। और भी अगर सेंटर्स है मतलब टाइम एस्ट्रोनॉमी के, जैसे एक उदयगिरी है, आर बाला सुब्रमण्यम जी ने पेपर लिखा है, आप जाके पढ़िए। मैं अगर ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और चैप्टर और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप देख सकते हैं जयसिंह जी ने यहाँ पर 17th सेंचुरी ने बनाया टाइम का सेंटर, एंड बल्कि 18th सेंचुरी में हो गया, मतलब हाँ 18th सेंचुरी। एंड फाइंडिंग्स के हिसाब से पता चलता है कि ये उससे पहले भी यहाँ पर टाइम सेंटर था, क्योंकि ये पुरानी एस्ट्रोनॉमी पे बेसिस पर है। अगर आपको पता हो इंडिया का जब आपका हॉरोस्कोप निकाला जाता है, वो किसी ग्रीनविच टाइम पर नहीं लिया जाता, लंदन के टाइम पर नहीं लिया जाता, वो यहीं के उज्जैन के टाइम से लिया जाता है। तो अगर किसी को ज्योतिष शास्त्र के या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये है जो ज्योति, जहाँ से आपको डिवाइन चमकती हुई चीजें दिख रही हैं जितनी भी स्पेस में, वो ज्योतिष शास्त्र में आता है। वो हॉरोस्कोप के साथ डील ही नहीं करता है, उससे कुछ पार्ट डील करता है। अगर आप देखिए राहु और केतु, मतलब शुक्ल पक्ष और कुशल पक्ष कब होगा, और लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स, सब ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ है। आप इसको लिटरेरी एविडेंस मान के चलिए। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इस टाइम से जब हम नापते हैं आज के जमाने में, तो 1 मिनट का डिफरेंस आता है। और अगर किसी को सनडायल का पता हो कोणार्क के, तो करीबन 5 मिनट का डिफरेंस आता है। तो आगे जब हमारा उड़ीसा का टेम्पल्स है, तो हम उसमें बताएंगे कि कोणार्क के टाइम के क्या डिस्टेंस है, वो सब है। तो ये टाइम का प्रोसीजर है उज्जैन का। मैंने बताया था आपको वारामीर और इन सब के लिटरेचर में मेंशन है, ब्रह्मगुप्त के लिटरेचर ने, पंच सिद्धांत और ये सब। तो मैं आपको एक स्टोरी बता दे रहा हूँ शॉर्टली ब्रीफली, आपने से शायद से किसी ने सुनी भी हो, तो मैं हिंट दे देता हूँ मैं किसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं लीलावती की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो और जितने भी ये मैं आपको एविडेंसेस दिखा रहा हूँ, ये हिस्ट्री की बुक से ही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, ये स्टोरी लीलावती में भी अवेलेबल है। लीलावती ये एक ब्रह्मगुप्त की एक किताब है, उनकी डॉटर का नाम था आई थिंक सो। हाँ, तो उसमें कहानी है कि हमारे पास एक घट घड़ी होती थी जो कभी उज्जैन के टेम्पल में अवेलेबल थी, आज भी एक टेम्पल में अवेलेबल है। तो लोग कहते हैं शायद से ये वही घड़ी है। इस घड़ी में अगर आप देखिए एक छेद है, एक लोटे एक पॉट में छेद है, अगर सेंटर में देखिए। वैसे हड़प्पन में भी एक ऐसा लोटा पाया गया है, लोगों ने कहा वो टाइम से हो सकता है, और अथर्ववेद में भी इसका मेंशन है। तो इसकी डेटिंग बहुत ओल्ड मानी जा सकती है, मतलब इस घड़ी की नहीं, लेकिन मैं वाटर पानी की बनी हुई घड़ी की बहुत ओल्ड टाइम की डेटिंग कह सकता हूँ, एज ए लिटरेरी एविडेंस, नॉट ए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि मंदिर की चीज़ों को तो डेट करना हमें अलाउड नहीं है। तो अगर मैं इसके साइड में देखूँ, एक छेद है, तो ये छेद करीबन कुछ मिनट में भरता था,
5 मिनट में, हमारे पास दो क्रॉनिकल है, एक जैन क्रॉनिकल और एक आपकी, मैंने आपको बताया ब्रह्मगुप्त की। तो अकॉर्डिंग टू दी ब्रह्मगुप्त या लिटरेचर, जैन स्टोरी में केवल नाम चेंज होता है और थोड़ा सा पार्ट चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन स्टोरी के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से, इंडियन इतिहास के हिसाब से, इसके ऊपर एक मूर्ति का टुकड़ा गिर जाता है लीलावती का, और ये कटोरा कभी डूबता नहीं है, और उनकी उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाती, और उनकी बेटी की शादी के लिए एक मुहूर्त निकला होता है कि इसी मुहूर्त में अगर शादी होगी तो शुभ होगा, वरना पति की डेथ हो सकती है। और बाकी स्टोरी में दिखाते हैं, जैनिज्म की स्टोरी में दिखाते हैं कि चावल का टुकड़ा गिर जाता है, तो तब जाके लीलावती की स्टोरी लिखी जाती है। एक मैडम इसमें पहलू है कि 10, अगर जैसे बताया महाभारत में कितने तीर मारे गए उनको कैसे काउंट करना है, एक रफ चित्रण बताया गया है, कहानी के द्वारा आपको मैथमेटिक्स समझाई गई है। तो मैं ये एस्ट्रोनॉमी का एक मेंशन है कि पहले टाइम कैसे नापा जाता था, एक वाटर, और एक वारामीर आर्यभट्ट का भी मेंशन है, सॉरी आर्यभट्ट का उज्जैन का मेंशन है जो मैंने आपको दिखाया टाइम का। तो ये टाइम आपने का सिस्टम था इंडियन एस्ट्रोनॉमी, आप टाइम का कह लीजिए, सूरज की रोशनी का ही पार्ट है। तो मैंने रेफरेंस की टॉप पर दी हुई है, सॉरी हाँ किताब का नाम, सॉरी मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, भास्काचार्य की किताब थी और उसकी बेटी का नाम लीलावती था। तो भास्काचार्य जी की ज्योतिष शास्त्र भी उन्हीं की किताब से एक जानी जाती है, उन तो ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान था। तो उन्होंने कहा था एज अ लीलावती में कि मैं ऐसा ज्योतिष शास्त्र लिखूंगा कि मेरी बेटी अमर हो जाएगी, तो दिस वॉज द मेन रीजन। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे। तो ये लिटरेरी रेफरेंस से मैंने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आप एक यंत्र दिखाया है, ये वैसे शक्ति का एक सिंबॉलिज्म है, अगर आप सेंटर वाला पार्ट देखिए ट्रायंगल या वो, मैं ज़्यादा फोकस तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई इलाहाबाद से है या इसके बारे में, तो या कोई बीए की हिस्ट्री पढ़ के निकला हो तो लगभग इसके बारे में सब जानते हैं। तो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सब जानते होंगे, आगे बीए हिस्ट्री या आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं या आसपास के। तो मैं आपको प्रयागराज के, मतलब तो एक डिस्कवरी है, आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिस्ट की, जीआर शर्मा की, सोन वैली आपका पैलेलिटिक साइट है, तो दिस इज अवेलेबल, और ये सभी आर्कियोलॉजी बुक से ही है, केन्योर की किताब में भी छपा है, केन्योर मैंने आपको बताया था, जीएम केन्योर बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जोनाथन मार्क केन्योर साइट से इनका पूरा नाम है, एंड जे क्लार्क, जी आर शर्मा ने इनको ढूंढा था, मेंशन है किया है या नहीं, या मैंने किया है। तो मैंने एक और किताब का मेंशन किया है, शायद से आपने इस किताब का नाम सुना हो, फेमस किताब है इंडियन आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, रिटन बाय दिलीप चक्रवर्ती। तो किताब थोड़ी पुरानी है, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने वहाँ से निकाला। तो आप माँ शक्ति का, माँ मेंशन है एंड शक्ति मेंशन, तो बहुत कोई जानी मानी डिस्कवरी नहीं, सब जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो पत्थर मिला था वो ट्रायंगल शेप में मिला था, अगर मैं आपको बता दूँ और भी सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मदर गॉडेस का वो ट्रायंगल सिंबल है, तो और भी जितनी पुरानी सिविलाइजेशन है उनका ट्रायंगल सिंबल है। तो मैं एक आप एक टॉपिक बता देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, 64 योगिनी टेम्पल हमारा जो टॉपिक है गाँव का, वहाँ पर एक आइडल मिली है। आइडल से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कहा था पाकिस्तान में भी पुराने टेम्पल है, मैं नहीं बताना चाहता था,
क्योंकि आज जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, हम उन पर स्टडी ही नहीं कर सकते, लेकिन आज ऐसा चीज आया है मेरे सामने तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। तो ओल्डेस्ट टेम्पल अपने इंडिया में, अगर पाकिस्तान में कुछ है तो वो है खिंगलाज देवी का टेम्पल, जो कोसान टेम्पल से डेट किया जाता है, क्योंकि इसने ये आन नैना देवी या नाना कॉइंस के सिंबल्स से मिलता है। जिन्हें न्यूमिस्मैटिक के बारे में पढ़ा होगा वो ज़रा डिटेल में जानते होंगे। तो मैं हिंगलाज देवी पर था। हाँ, तो हिंगलाज देवी का एविडेंस हमें 64 योगिनी टेम्पल में भी मिलता है एंड खजुराहो टेम्पल में। तो मैं आप एक वर्ड बताता हूँ, हाइपेथीरियल। पता नहीं ये इंग्लिश वर्ड कहीं के लिए चुना गया, मुझे तो समझ नहीं आया। वैसे जब डिस्कवरी इंडिया में हुई है तो इंडियन वर्ड होना चाहिए, लेकिन चलिए वैसे जिनने भी चुना उनके हिसाब से। तो हाइपेथीरियल का मतलब होता है जब टेम्पल ओपन होता है, और वो इजिप्शियन या ग्रीक टेम्पल्स होते हैं, तो नॉट इन इंडियन टेम्पल, लेकिन हम उसको इंडियन टेम्पल में भी यूज़ करते हैं 64 योगिनी के इसमें। तो उसके लिए मैं एक, मेरे हिसाब से तो एक अलग टर्म होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज हमारा वैसे एस्ट्रोनॉमी पर है, खजुराहो टेम्पल पर। तो मैं बता चुका हूँ आपको, खजुराहो टेम्पल पर करीबन मतलब कई सालों तक वेट किया होगा कि सूरज की रोशनी कहाँ पड़ी है, चंद्रमा कब फुल हो रहा है, कब हाफ हो रहा है, कब न्यू मून आता है, कब फुल मून आता है, ये सब उनने नोटिस किया होगा। इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल थे जैसे मैंने आपको दिखाया, लिटरेरी एविडेंस के बेसिस पर। और एंडिंग में आर्कियोलॉजी एविडेंस पर करूँगा कुछ। तो मैं एस्ट्रोनॉमी ऑफ खजुराहो पर आता हूँ। तो मैंने आपको एक चीज़ मेंशन करी थी, वैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ट्रायंगल और पेंटागन पर, आपने से शायद से किसी को याद हो या ना हो। तो ट्रायंगल और पेंटागन पर, और मैंने कहा था पीवी राणा सिंह का पेपर है, पेपर थोड़ा लेंदी है तो मैंने ब्रीफली निकाला है, और 2006 का पेपर है, 2007 में भी पब्लिश हुआ है। तो आप पूरा पेपर जाके पढ़ सकते हैं अगर मतलब आपको ज़्यादा डिटेल वाइज जानना हो तो। और ये पेपर यूनेस्को के हिसाब से पब्लिश हुआ है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज के हिसाब से एक्सेप्टेड है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो स्टडीज़ है यहाँ पर। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये माइथोलॉजी है, ये पूरी वर्ल्ड के हिसाब से एक्सेप्टेड है आर्कियोलॉजी फाइंडिंग्स में। तो अगर आप देख रहे हैं सामने 64 योगिनी का टेम्पल है, हाइपोथीरियल नाम दिया गया है। जब ओपन स्क्वायर या ओपन स्पेस टेम्पल्स होते हैं, हमारे इंडिया में कहते हैं वैसे ओपन स्पेस टेम्पल बनते नहीं थे, या प्रथा बंद हो गई थी। पेड़ के नीचे, वैसे कई बार आपको मिल जाएगा लिटरेरी एविडेंस में, पेड़ के नीचे शिवा टेम्पल होते थे। और मथुरा में एक स्कल्चर भी मिला है, तो मैं आपको कल दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने अभी आ रहा है तो मुझे एक कल्चर भी मिल रहा है, तो उसने मेंशन्ड है। तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, हाइपेथीरियल वैसे दिखता कैसे। तो दिस इज हाइपेथीरियल, और मैंने इसका शायद प्लान डाला है, या दिस इज हाइपेथीरियल प्लान। तो इसके हिसाब से मैं इसको, मैं कहता हूँ जब इंडिया में मिला तो इंडिया का ही नाम होना चाहिए। तो मैं इसको अगर कहूँ, ये जिस सिंबॉलिज्म की तरह मुझे देखता है,
तो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम रिकनेक्ट होते हैं एक मिनट, तो लेट मी शेयर इट अगेन। ओके सो हम यहाँ पर थे, मैंने आपको सिंबॉलिज्म को गेस करने के लिए कहा है, एक प्लान है ये। तो वैसे तो एक 19th सेंचुरी को विडे दहीजा नाम की मैम एक ऑथर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इन ऑथर के बारे में, उनने एक प्लान बताया है 19th सेंचुरी में, उससे कंपेयर किया गया है, तो उससे भी ये मैच करता है लेटर ऑन सेंचुरी का। लेकिन मेरे पास मैं कहूँगा कि जो मैं मानता हूँ तो ये इससे ज़्यादा मैच करता है, तो उससे वही नाम देना चाहिए। तो ओके ओके ये पॉइंट मैं वैसे मेंशन कर चुका हूँ, तो मैं इसको जस्ट आगे बढ़ता हूँ, शायद से स्लाइड रिपीट हो गई होगी। तो हाँ, दिस इज पीवी राणा सिंह का ये पेपर है, एंड और अलेक्जेंडर कनिंगम की रिपोर्ट्स भी हैं इसमें, देन स्टेलस किनमिच के भी कुछ पॉइंट्स एडेड हैं, ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड नीचे मैंशनड है, सूरज की रोशनी के लिए मैंने वैसे लगाए हैं, तो मैंने पेपर का भी नाम मैंशन किया हुआ है। तो ये पॉइंट था जो ट्रायंगल और पेंटागन वाला था, मैंने इसका कुछ ब्रीफ पॉइंट निकाला है, तो मैं वो ब्रीफ पॉइंट मेंशन करूंगा, और बाकी अगर आपको जानना है तो आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता आज की क्लास में। वैसे ही तो आपको वैसे मैंने एक दो मिनट दिया, वैसे आप मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट्स पढ़ते भी हैं, जो नहीं पढ़ते मैं बता दूँ, यहाँ पर 23 टेम्पल्स, 6 एसोसिएटेड विद शिवा, 5 एसोसिएटेड विद कॉन्सर्ट्स ऑफ शिवा एंड थिंक सो या ओके, एंड 8 रिलेटेड टू विष्णु, एंड 1 इज रिलेटेड टू सन ऑफ द शिवा गणेश जी, एंड 3 आप पे जैन टेम्पल्स। तो बाकी नीचे आपको पेंटागन वाला वर्ड दिख गया होगा, 5 और 3 ट्रायंगल्स। तो मैंने आपको ट्रायंगल का इंपॉर्टेंस शुरुआत में ही बता दिया था, और पेंटागन का भी मैं आपको बता दूँ तो आप पे कई जो सिंबल्स होते हैं, यंत्र होते हैं, वो पेंटागन शेप में होते हैं। तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने आपको बताया था, वैसे 5 और 4 और 7 बहुत लकी नंबर होते हैं हमारे यहाँ, मैंने बताया भी था ऑस्पिशियसनेस। तो दिस इज द रीजन फॉर पेंटागन एरिया, ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि कौन कौन से टेंपल कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो हम ज्योमेट्रिकल सिंबल पर आ जाते हैं। तो जब आप मंदिर के अंदर घुसते हैं तो आपको पता ही होगा 3, 4, 5 तल होते हैं, एक हेल को डोनेट करता है, एक हेवन को और एक मुक्ति को, तो ये सिंबॉलिज्म है। तो ये मेंशनड है जो मैंने आपको पॉइंट बताया, लगभग सबको पता होगा, प्रदक्षिणा पथ पूरा करके आप टेंपल के अंदर घुसते हैं, सेवनिज्म टेंपल होगा तो आप आधा ही प्रदक्षिणा लेते हैं, तो या परिक्रमा कह लीजिए। तो मैं एक मिनट, ओके तो मैंने एक प्लान भी दिखाया हुआ है टेंपल का, तो दिस इज अ प्लान। ओके एंड मंडप के हिसाब से है ये। तो वैसे कई लोगों ने ऐसे स्टडी भी किया है, माइकल मियस्टर जी ने स्टडी किया है, तो खुजराहों का टेंपल थोड़ा पुरुष के फॉर्मेट में भी दिखता है, और उन्होंने निकाला है ये पूरा वास्तु पुरुष सिंबॉलिज्म से मिला है, बना है टेंपल, तो माइकल मियस्टर जी की बुक में पब्लिश है द हिंदू टेंपल करके। तो ये मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है जिसके हिसाब से रोशनी का पता चलता है, जो रोशनी किस हिसाब से कब पड़ी है, और ऊपर की तरफ 84 टेंपल्स मेंशन करे हुए हैं, और वो मेन पॉइंट्स जो मैंने बताए थे। तो होली और विष्णु भी, होली मैं डिस्कस कर चुका हूँ, चैत्र और विष्णु, ये थोड़ा मैं वापस डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। तो ये टेंपल्स टाइम उस टाइम के पीरियड से हिसाब से या फेस्टिवल के हिसाब से साइन करते थे, सूरज की रोशनी पहले वहाँ पर पहुँचती थी
नीचे जीपीएस दिया हुआ है, तो ये भी मैंने आपको मेंशन किया था अलाइनमेंट और टेंपल्स का, तो दिस आल्सो। बट मैं आपको अभी आपको दिखाता है सूरज की रोशनी किस हिसाब से पहुंचती है। आई थिंक सो इट इज इन ट्रायंगल ओनली, ट्रायंगल शेप ओनली। तो दिस इज अ, हाँ दिस इज अ इमेज। ये सेक्रेट ज्योमेट्री या सेक्रेट लैंडस्केप को करते हैं, तो जिनको आर्किटेक्ट या वास्तुशास्त्र की जो बिलोंग करते हैं या नॉलेज होगी तो वो जानते होंगे सेक्रेट लैंडस्केप या सेक्रेट ज्योमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है टेम्पल में। तो मैं अंत में आपको एक सेक्रेट इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको 4 और 7 नंबर बताए हुए हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट सिम्बोलिज्म बाद में दिखाऊंगा। सो ये डंटाई हिल पर है वैसे तो। सो दिस इज अ फीमेल स्पिरिट, ओके। और ट्रायंगल सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सॉरी योगनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगनी या योगेश? जब वुमेन की शक्ति को एक्टिवेट करना हो तब योगनी की जरूरत पड़ती है, या मेन की भी वैसे कभी कभी होता है लेकिन बहुत कम कॉन्सेप्ट में। लॉर्ड शिवा वैसे आदि योगी कहलाते हैं, तो वो मेन के लिए जाने जाते हैं। अगर फीमेल को योगा सीखना हो या फीमेल को गुरु चाहिए, तो वो 64 योगिनी के कुछ टेम्पल्स में कुछ एक्टिविटी होती थी। और कुछ 64 योगिनी टेम्पल में मानते हैं देवदासी एक्टिविटी होती थी, और एक एक्टिविटी वैसे कुछ कहते हैं 19th सेंचुरी तक कंटिन्यूटी पर चलती रही ओरिसा टेम्पल पर। मैं पहले भी मेंशन करना कर चुका हूँ तो मैं आगे मेंशन नहीं करूँगा। वैसे तो मैं बता दूँ, आप बाद में जाके सर्च मार सकते हैं, उसे नर बलि प्रथा कहते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दिस इज अ हेक्सागनल, एक सिंबल, एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है। तो अगर आप हेक्सागनल सिंबल पर ध्यान दीजिए, तो वो काफी सारे जो हमारे यंत्र होते हैं वो हेक्सागनल शेप के होते हैं।